नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार मत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज मैं डिस्कस करूंगा नेम नंबर 73 के बारे में। इससे पहले मैंने टिल नेम नंबर 72 बनाया है, आप प्लेलिस्ट पे मैं यूट्यूब के प्लेलिस्ट या आई आइकन पे जा करके देख सकते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए, और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो लोशो ग्रिड का फ्री कोर्स मेरे एस्ट्रो स्कूल पे दिया है, लिंक नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। थैंक यू। तो चलिए क्विकली देखते हैं नेम नंबर 73 के बारे में। 73, इस दोनों को जोड़ते हैं 7 + 3 तो 1 पे आता है। इसमें जो 1 की एनर्जी है जो कि 7 से और 3 से मिलकर के आ रहा है। अगर आप देखेंगे 7 की एनर्जी और 3 की एनर्जी, तो दोनों नॉलेज, विजडम, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, इस चीज को बताता है। तो नो डाउट ये जो नंबर है 73, इसमें नेम, फेम, रिकॉग्निशन, वेल्थ, स्ट्रॉन्ग माइंड, ये सारे चीज को बताता है। लेकिन बंदे को स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, उसके सारे डिजायर्स फुलफिल होते हैं, क्योंकि नंबर 3 और नंबर 7, ये कहीं ना कहीं, पर्टिकुलरली नंबर 7 जो है, आपको पता है ये स्पिरिचुअल नंबर है, और पाइथागोरियन जो है इसको भगवान का नंबर कहते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो ट्रुथ रिवील करते हैं। तो यहाँ 3 और 7 मिलकर के लोगों को डीप डाइव ट्रुथ जो है ये चीज दिलाता है। तो अगर वो बंदा ईमानदार है, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ट्रुथ जो है उस चीज को, मतलब झूठ मत लाइए अपने जीवन में, तो ये नंबर आपको बहुत हाइट पे पहुंचाएगा। इस नंबर में आपको लोगों का सपोर्ट भी बहुत मिलेगा, और आपके सारे डिजायर्स जो है वो भी कंप्लीट होंगे। इसके अलावा ये नंबर चूंकि 7 और 3 से मिलकर के बना है, तो इसमें आपका स्किल, आपका नॉलेज, ये बहुत मैटर करता है। समाज के लिए कंट्रीब्यूशन की चीज बहुत जरूरी है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं, स्पिरिचुअलिटी, ट्रुथ, समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना, अपने स्किल माइंड का यूज करना, तो ये नंबर आपको नेम, फेम, अथॉरिटी, लोगों का सपोर्ट, मटेरियल डिजायर्स जितने होते हैं सारे चीज को ला करके देगा। लेकिन अगर आप झूठ या फिर वो मॉरली गलत चीज को अगर देखते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है मॉरल थिंग्स को बताता है, अगर मॉरली गलत चीजों को आप यूज करते हैं अपने लाइफ में, तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा और आपसे चीजें लेने की कोशिश करेगा। ओवरऑल ये नंबर बहुत अच्छा है, आप रख सकते हैं अपने नाम में, क्योंकि इसमें 3 और 7 हैं, तो 3 फैमिली को भी बताता है और 7 जो है ट्रैवल को भी बताता है। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है फैमिली को लेकर के भी बहुत रहेगा, आप अटैच रहेंगे अपने किथ किन रिलेटिव से, और 7 जो है आपको इंटरनेशनल ट्रैवल भी कराएगा। ये था मेरा एनालिसिस नेम नंबर 73 को लेकर के। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आप नेम एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में इस नेम नंबर 74 को लेके। तब तक के लिए नमस्कार। तो इन दिस एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि नेम नंबर, कंपाउंड नंबर जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं चैलडियन अल्फाबेट के अनुसार। तो ये चैलडियन अल्फाबेट का वैल्यू है, जैसे आप लोग जानते हैं कि ये जो नंबर्स हैं AIJQI, इसका वैल्यू 1 होता है, BKR का 2 होता है, CDLS का 3 होता है, लाइक दैट PF8 होता है। 9 के लिए हम लोग पास कोई अल्फाबेट नहीं है। तो अगर हम लोग नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं जयंत कुमार वत्सा के लिए, तो जयंत का नाम डालिए, अगर सारे वैल्यू को प्लेस करते हैं, जे के लिए 1, ए के लिए 1, वाई के लिए 1, ए के लिए 1, एन के लिए 5, टी के लिए 4, तो यहाँ वाले चार्ट से, तो टोटल 13 आता है। तो कुमार के लिए उसी तरह 15 आता है, वत्सा के लिए उसी तरह 18 आता है। जब आप टोटल करते हैं तो ये 46 आता है। तो हमारा जो नेम नंबर है वो 46 है, और सिंगल डिजिट में वो 1 कहलाता है। तो हम इसी 46 को हम लोग कंपाउंड नेम नंबर कहते हैं, और सिंगल डिजिट में उसको हम लोग 1 कहते हैं। तो क्विकली देखते हैं, अगर आप मेरे सॉफ्टवेयर पे जाते हैं cosmic.astrobasic.com पे, तो न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है, जब आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो अंडर चैलडियन टैब आपका, जहाँ पे सारे नंबर्स के बारे में दिया गया है यहाँ पे, तो इस जगह पे कंपाउंड नंबर 46 पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको इसके बारे में दिखाया जाता है, डिस्क्राइब यू एज ए काउंट हेड, इट मींस दैट यू कैन अचीव काउंट विद इफेक्टिव यूज ऑफ इंटेलिजेंस प्रूडेंस। तो ये आपको इसके बारे में डिटेल्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं, अगर आप लोग मेरा न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो। इसके अलावा भी सारे नंबर्स के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं, भाग्यांक, मूलांक, नेम नंबर 1, तो 1 का फिर क्या मतलब है, तो यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स जो है मिल जाएंगे।